रेणु रेणु। यह है हर्षिल घाटी, हिमालय की गोद में बसा एक छुपा हुआ स्वर्ग, जो अपने अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यहाँ का हर नज़ारा एक नई कहानी बयां करता है, जहाँ सादगी और प्रकृति का अटूट संबंध झलकता है। ये घाटी न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ समय ठहर गया है। Dim dum da 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 dim da 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 dim dum da 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 dim da da dim dum. यहाँ का जीवन अपने तरीके से चलता है, सूरज की गति, मौसम के बदलाव और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ। हर्षिल के लोग इस घाटी से एक गहरा संबंध रखते हैं। हर पत्थर, हर पेड़, नदी की हर धारा उनके पूर्वजों की कहानियाँ बयां करती है। यहाँ समय धीमा चलता है और दिल को शांति मिलती है। हर्षिल घाटी के सेब अपने स्वाद और मिठास के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की जलवायु और मिट्टी सेब की खेती के लिए उपयुक्त हैं, और यह फल इस घाटी की पहचान बन चुका है। पूरे परिवार एक साथ सेबों की कटाई करते हैं, एक परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही है। गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जो गंगा नदी के उद्गम के रूप में प्रसिद्ध है। यह समुद्र तल से लगभग 3,100 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यहां भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था, ताकि उनका वेग कम हो सके और वे धरती पर आ सकें। गंगोत्री मंदिर, जो 18वीं शताब्दी में बना, देवी गंगा को समर्पित है। गंगोत्री ग्लेशियर से बहती भागीरथी नदी को ही गंगा का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीले पहाड़ और धार्मिक आस्था का मिलन हर साल हजारों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित करतांग गली एक ऐसा रोमांचक रास्ता है, जो हिमालय की खड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया है। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह लकड़ी का रास्ता एक अनोखी ऐतिहासिक धरोहर है। करतांग गली की कहानी भारत और तिब्बत के प्राचीन व्यापार से जुड़ी है, और इस रास्ते को उस समय के साहसी व्यापारियों के साहस और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। भारत और तिब्बत के बीच संबंधों में बदलाव के कारण 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इस मार्ग को बंद कर दिया गया था। दशकों तक यह मार्ग बंद और उपेक्षित पड़ा रहा। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने इस ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया और इसे पर्यटन के लिए खोलने की योजना बनाई। इसके पुनर्निर्माण के दौरान इसकी पारंपरिक संरचना का सम्मान करते हुए सुरक्षा के उपाय भी जोड़े गए हैं। मार्कंडेय गांव, जो उत्तराखंड के हर्षिल के पास स्थित है, एक छोटा और सुंदर गांव है, जिसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह गांव हिमालय की गोद में भागीरथी नदी के किनारे बसा है, और इसका नाम ऋषि मार्कंडेय के नाम पर रखा गया है। घने जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा यह गांव प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है, जो इसे तीर्थयात्रियों और ट्रेकर्स के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है।
स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ऋषि मार्कंडेय ने इस क्षेत्र में भगवान शिव की उपासना और ध्यान किया था। यहाँ स्थित मार्कंडेय मंदिर एक छोटा लेकिन पूजनीय मंदिर है जो इस महान ऋषि को समर्पित है। यहाँ आने वाले लोग इस मंदिर में जाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और ऋषि मार्कंडेय की कथा से जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके अलावा मार्कंडेय गांव हर्षिल के निकट है, जो अपने सेब के बागों, सुंदर परिदृश्यों और चार धाम तीर्थ स्थल गंगोत्री के निकट होने के लिए प्रसिद्ध है। लम्हा टॉप उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक खूबसूरत और शांत पर्वतीय स्थल है। यह स्थान गंगोत्री घाटी के पास स्थित है और साहसिक पर्यटकों और ट्रेकिंग प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ से हिमालय की बर्फीली चोटियों का शानदार दृश्य दिखाई देता है और चारों ओर का शांत वातावरण इसे एक आदर्श ट्रेकिंग और कैंपिंग स्थल बनाता है। लम्हा टॉप की ऊंचाई और प्राकृतिक सुंदरता इसे एक विशेष आकर्षण बनाते हैं, जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बेहद लुभावना होता है। यह जगह अब धीरे धीरे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो रही है, जो यहां की अनछुई सुंदरता, ताजगी भरी हवा और शांति का आनंद लेने आते हैं। यह स्थान पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के हिमालयी पक्षियों को देखने का मौका मिलता है, जिनमें कई दुर्लभ और प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। इसके अलावा लम्हा टॉप के आसपास के जंगलों में कुछ दुर्लभ वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जैसे हिमालयी भालू, तेंदुआ और हिम तेंदुआ। इन जीवों के दर्शन तो मुश्किल होते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व स्थान की जैव विविधता को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। लम्हा टॉप, जो अभी एक छिपा हुआ खजाना है, धीरे धीरे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। उत्तराखंड सरकार इस स्थान को पर्यटन के नक्शे पर लाने की कोशिश कर रही है, ताकि यहां आने वाले पर्यटक इस अनोखी जगह का आनंद ले सकें। यहां पर्यटन को बढ़ावा देने से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा, बल्कि स्थानीय समुदायों की आजीविका में भी सुधार होगा। हिमालय की गोद में बसा हुआ एक स्वर्ग। मेरा नाम रोहित है और मैं हूँ आज हर्षिल घाटी में। तो स्वागत है एक नए और बढ़िया से ब्लॉग में। इसको देखो तुम, जरा इसकी शकल देखो, शकल पे मत जाना इसकी। कार्टून है, कार्टून पे है इसकी, सिमचैन से भी परे हुए इसकी। महा कार्टून तो तुम हो। हाँ मैं महा कार्टून हूँ। ओगी। ओगी। भाई। क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं बोल। मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ देखो। तो गाइस ये हमने लद्दाख से मंगा रखी है पत्थर तोड़ने के लिए। हर्षिल में आजकल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये मैंने ही बनाया है अभी। हाँ तुमने बनाया, शकल दिख रही होंगी। यहाँ पे यार फुल स्टॉप लग रखा है। इतनी है क्या गर्तांगली? मैं पहली बार आया हूँ ना, क्योंकि इतनी है, दिखाया ही कहाँ कितनी है। हैं? मेरे को लगा बहुत लंबी है। हा? बहुत लंबी है, बहुत सुंदर जगह, मजा आ रही है गाइस। क्या अच्छा लग रहा है? बैठे मौज कर दी शेर।
शेर। तो कहाँ जा रहे हो? ये है मेरी क्यूटी कुटी कुत्ती। तो अभी मैं और मुखवा से एक नीचे रास्ता पड़ता है, एक मुखवा है उसी के नाम पे बेस पे वो भी है, लेकिन उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, तो उधर ही जा रहे हैं। अभी याद आ जाएगा तो बता दूंगा। तो ऐसा यहाँ पे जितने भी घर वर है सब खाली है, लगभग मैंने एक मोह देखी थी, एक मोह मतलब एक लेडीज देखी थी मैंने बस। कुछ लोग थे वो यहाँ पे हाउस बना रहे हैं, अब गेस्ट हाउस बना रहे हैं या अपना घर बना रहे हैं ये आइडिया नहीं है। साक्षी कहना चाहेगी आपसे कुछ गाइस? मैं कुछ कह रहे थे तुम क्या क्या नहीं आता गाइस? यहाँ पे गाड़ी है तो गाइस देख सकते हैं ये चोरी का माल, ये चोरी का माल देखो तुम। अरे कहाँ गए? ये हमने चोरी की। यहाँ चोर है रोहित जिसकी शक्ल चोरों जैसी। शक्ल तो दिखाओ। यहाँ देखो 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 जरा, चोर बन रहे, चोर लोगों के घर से एप्पल चुरा रहे हैं। ये पैंट ढीली तो बहुत है यार इतने चोरी का माल। ये रहा चोरी का माल जमा हो रहा है यहाँ पे। अरे अरे चोर किसी काम का नहीं है। इतने बहुत है ना यार, चोर को कुछ नहीं आता है? हाँ। ये बाढ़ थी, ये देखो इसको ध्यान से देख लो, कहीं दिखे तो इसको गिरफ्तार कर देना। चोर चोर बैग में पूरा माल पानी भर रखा है इसने। चोर आज है यहाँ पे हमारा सेकंड डे, और अभी हम मंदिर गए थे नीचे साइड को, यहाँ हर्षिल मार्केट है इधर साइड को, ये पुल पार करके ना, और इसके जस्ट नीचे थोड़ा एक मंदिर है तो वहीं जा रखे थे। अब हम जा रहे हैं लामा टॉप की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। आज वो कौन सा है वो है? क्या कौन सा है वो? कौन सा क्या? बदतमीजी कर रहा ये देखिए गाइस, इसको बोलते हैं जुगाड़। अब इसको आप ऐसे ऐसे गले में पहन सकते हैं, और इसके गले में पहनाऊंगा मैं। नहीं चलो यार गाइस, लक्स वक्स छोड़ो, नेचुरल साबुन अपनाओ। तुम्हें लग रहा होगा कि ये साबुन है, लेकिन ये साबुन नहीं है, ये पत्थर है। ऐसे रगोड़ के मैल के ऐसे छिलके आएंगे ना इससे। लक्स वक्स कुछ नहीं है भाई। क्या क्या बनाते हैं? कुत्ता, किसका कुत्ता? गाइस ये मैं हूँ, नेपाल से उठा के लेके आएंगे इसको। यहाँ नीचे गदी ना रखे हम अपने आप को छल लगाने के लिए। चलो यार इस बेचारे बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। चलो यहाँ चलते हैं यार, यहाँ से इसके भी अलग ही नखरे होते हैं। हाँ ठीक है गाइस, ज्यादा
ज्यादा नहीं बनना, ज्यादा रोड कैमरा के सामने ज्यादा नहीं बनना, रोड से नीचे फेंक दूंगा तुमको। शिट, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था सच में। शिट यार, अच्छी वीडियो बननी थी यार, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। शिट, ऐसे क्यों होता है मेरे साथ? नेपोटिज्म होता है। नेपोटिज्म तुम हो, नेपोटिज्म ना, इसलिए यार कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं सच में।